हेलो फ्रेंड्स, जिवें कि सबनों पता ही है कि पंजाब दे विच जिहड़ा अपना क्रिमिनल केसिस ने वो काफ़ी ज़्यादा वध रहे ने ते बेरोज़गारी भी काफ़ी ज़्यादा वधदी जा रही है। तो अज तुहानूं मैं दसन जा रही हाँ कि पंजाब दे विचों बेरोज़गारी नूं अते जिहड़ा ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ने इन्हां नूं घट किवें कीता जा सकता है। कुछ सुजैशन ने उन्होंने अगर मान लिया जाए तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के पंजाब के बेरोजगारी और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ने उन्होंने घट किया जा सकता। सो वीडियो के वधिया इन्फॉर्मेशन है, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो नूं जरूर देखो। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि बाकी देशों के जिहड़ा पुलिस फोर्स है वह तीन शिफ्टां दे विच जां फिर दो शिफ्टां दे विच कम करती है, जो कि अपने पंजाब दे विच नहीं। अगर पुलिस दो शिफ्टां दे विच जां तीन शिफ्टां दे विच कम करती है तो उहदे की फायदे ने, तुहानूं मैं उह दस्सदी हां वी की फायदे होणगे अगर पुलिस दो शिफ्टां दे विच जां फिर तीन शिफ्टां दे विच कम करती है। जिहड़े पुलिस मुलाजम ने उहनां नूं रैसट करन दा टाइम मिलेगा, क्योंकि लगातार कम करके पुलिस भी अक जाती है, तो इहदे नाल की है वह बाकी लोगों के नाल वधिया ट्रीट नहीं कर पाउंदे, हर किसी नूं रैसट की जरूरत होंदी है। उनका दिमाग ये की होएगा शांत रहेगा अते वो अपने 8 घंटे या 12 घंटे की ड्यूटी दे विच थकावट महसूस नहीं करनगे। इहदे नाल की होएगा वो पब्लिक दे नाल पूरी शांति अते पेशेंस दे नाल डील करनगे। इहदे नाल की होएगा जिहड़े पंजाब दे लोगों नूं पुलिस डिपार्टमेंट दे नाल शिकायतां ने वो घट जाणगे। जिवें कि हर कोई कहिंदा है कि जिहड़े पंजाब पुलिस है वो लोगों दे नाल वधिया बिहेव नहीं करती, हालांकि सारी पंजाब पुलिस ऐसी नहीं हुंदी, बट काफ़ी लोग सोशल मीडिया से गल्लां देखण नूं मिलदियां ने तां वो वाले केसिस घट जाणगे, क्योंकि उन्हां दा माइंड सैट होएगा, शांत रहेगा, उन्हां नूं रैसट करन दा मौका मिलेगा, तां डेफिनेटली वो लोगों दे नाल वधिया बिहेव करनगे। बहुत सारे जो बेरोज़गार ने उन्होंने नौकरी मिलेगी, जो शिफ्टां दे विच काम होने लग जाएगा डेफिनेटली काफ़ी लोगों नूं रोज़गार का मौका मिलेगा, इहदे नाल की है बेरोज़गारी नूं घट करन दे विच भी सहायता मिलेगी। जो पुलिस स्टेशन दे विच काफ़ी फ्री चीज़ां मिलदियां ने, फ्री लंगर लगता है, ये सेवा है ये भी बंद हो जाएगी। पुलिस स्टेशन दे विच शांति बन जाएगी, जिहड़े पुलिस मुलाजम ने उन्हां दियां फैमिली भी सुखी हो जाएंगी, क्योंकि वह अपनी फैमिली दे नाल थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकेंगे अगर उनका दो या तीन शिफ्टां दे विच काम स्टार्ट हो जाए। दो शिफ्टां दे विच काम होने करके जिहड़े पुलिस केस ने वह जल्दी सॉल्व होणगे, उन्हां नूं लमकाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जिहड़ी पहली शिफ्ट वाला परसन है उन्हूं पता होएगा कि अगर मैं ये केस नूं डील नहीं करता तो दूसरी शिफ्ट वाला जिहड़ा परसन है वह इस नूं सॉल्व कर देगा, तो ये की होएगा केस जल्दी सॉल्व होंगे अते जिहड़ा रिश्वत लैण दा काम है वह भी घट हो जाएगा। इत्थे ये नहीं किया जा सकता कि सारे ही पुलिस मुलाजम रिश्वत लेंदे ने, पर जिहड़ा भी कितें चलता है माड़ा मोटा रिश्वत का काम वह बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट शाखा नूं सिविल ड्रैस विच करके अलग करन दे नाल पब्लिक नूं फास्ट सर्विस मिल सकेगी, वधिया सर्विस दे फास्ट सर्विस मिलेगी, अते आने वाला जिहड़ा इन्हां दे उपर आने वाला जिहड़ा खर्चा है वह एप्लीकेंट दे कोलों रिकवर किया जा सकता। जिहड़े भी यंग जनरेशन दे लड़के जां लड़कियां ने उन्होंने फ्यूचर दे विच पंजाब पुलिस दे विच अप्लाई करना है जां भर्ती होना है, उन्होंने पुलिस फोर्स के नाल ट्रेनिंग के तौर पर अप्रेंटिसशिप की आग्ञा होनी चाहिए है, जिवें कि आई टी ट्रेन स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप लगाते हैं उस तरह इन्हों भी ट्रेनिंग के तौर पर अप्रेंटिसशिप लगाने की आग्ञा होनी चाहिए है। ये की होएगा पुलिस नूं घट भत्ते ते वधेरे स्टाफ मिल जाएगा, तो इस सजेशन नूं अपना के भी पंजाब दे विचों जिहड़ियां क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ने ते जिहड़ी बेरोज़गारी है उन्हूं घट किया जा सकता है। इस सुझाव के रिगार्डिंग डिटेल भी जब तुसीं गल करना चाहुंदे हो तो साडे कनेडा ऑफिस दे विच कॉन्टैक्ट कर सकते हो, साडे ऑफिस का नंबर तुसीं नोट कर सकते हो कनेडा का 1604-765-5008। इस नंबर तुसीं कनेडा दे टाइम दिन वेले संडे दे टाइम तुसीं गल कर सकते हो, ते अगर तुसीं पटियाला ऑफिस दे विच गल करना चाहुंदे हो तो नंबर नोट करो 9882-95000।
अगर थोड़े ऑफिस आके मिलना चाहते हो तो ऑफिस का एड्रैस नोट कर सकते हो, C174 नियर टोयोटा कार एजेंसी फोकल पॉइंट पटियाला। सो ये सुजैशन है, अगर इस सुजैशन मान लिया जाता है तो डेफिनेटली पंजाब दे विचों बेरोजगारी क्रिमिनल एक्टिविटीज घट किया जा सकता। सो इस वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर करो ताकि यह सुझाव सारे लोगों तक जरूर पहुँचे और चैनल को सबसक्राइब जरूर करो ताकि नवी नवी वीडियोज़ नवे नवे सुझाव तक तो घर बैठे मिल सकन। थैंक यू।